अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, आज फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो हाई ट्रीजन केस था, उसका फैसला सुनाने वाली स्पेशल कोर्ट की तश्कील को लाहौर हाई कोर्ट ने गैर आइनी करार देते हुए कल अदम करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने फैसले में लिखा है कि खसूसी अदालत की फॉर्मेशन के वक्त आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए और खुसूसी अदालत में शिकायत दर्ज करते हुए कानून को मद्देनजर नहीं रखा गया। इसके साथ साथ लाहौर हाईकोर्ट ने मुलजिम की जो गैर मौजूदगी थी, एब्सेंशिया थी, उसमें फैसला सुनाने को भी गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि मुलजिम की गैर मौजूदगी में ट्रायल करना गैर आइनी है। साथ साथ अगर बात कर ली जाए नेशनल असेंबली के हवाले से, इत्तेहादियों और हुकूमत के हवाले से, तो नेशनल असेंबली में इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने वाली तहरीके इंसाफ को एक के बाद एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एमक्यूएम के अहम रुकन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालबात पूरे ना होने पर अपनी वजारत से रेजिग्नेशन दे दिया, जिसके बाद हुकूमती ऐवानों में हमें हलचल मचती हुई नजर आई और फिर खालिद मकबूल को मनाने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने असद उमर की सरबराही में एक स्पेशल कमेटी भी तश्कील दे दी, जिसने जाकर एमक्यूएम के वफद से मुलाकात की, लेकिन इस मीटिंग का कोई नतीजा ना निकल सका और खालिद मकबूल अपने फैसले पर कायम नजर आए। अब सवाल यहां यह उठाया जा रहा है कि क्या यह बिलावल भुट्टो की पेशकश का नतीजा है या जो गवर्नमेंट अलायंसेज हैं, हुकूमती इत्तेहादियों को जो इस साल तब्दीली नजर नहीं आ रही होती हुई, उसकी वजह से वो हुकूमत के साथ नाला नजर आ रहे हैं, हुकूमत से नाला नजर आ रहे हैं। वैसे तो कहा जा रहा है कि जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनमें जो दूसरी जमातें हैं, मुस्लिम लीग काफ हो और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी हो, उनको भी हुकूमत से रिजर्वेशन है और यह भी कहा जा रहा है कि बीएनपी के ने भी जो कोर कमेटी है उसका सेशन तलब कर लिया है। अब हुकूमत इस मुश्किल से कैसे निकलेगी जो कि उनके अपने इत्तेहादियों के साथ मसाइल हैं, कैसे वो रिजॉल्व करेंगे, किस हद तक उनको हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाएगा, किस हद तक हुकूमत होगी, कितने मुतालबात पूरे होंगे, इस पर हम अपनी आज के शो में डिबेट करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने आलमी अमन को बरकरार रखने के लिए जो अहम कदम उठाया है वो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर ईरान, सऊदीया और अमेरिका के दौरे पर गए हैं। अब क्या पाकिस्तान की जानिब से जो ये कोशिशें हैं, की जाने वाली कोशिशें हैं रीजन में अमन के लिए, क्या उससे ये कशीदगी खत्म हो पाएगी और पाकिस्तान उसमें कितना अहम रोल अदा कर सकेगा, हम इसको भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन हियर, हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चलें। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर सईद इलाही साहब, सीनियर पोलिटिकल कॉमेंटेटर हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब जस्टिस रिटायर्ड रमजान चौधरी साहब, और हमें बीबर पर ज्वाइन कर रही हैं जनाब कमल नवेद साहिबा, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, और हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि आपने हमारा आज का रन डाउन सुना और जो आज की 2 अहम डेवलपमेंट्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों डेवलपमेंट्स के तमाम एस्पेक्ट्स को हम जो है कवर कर सके। और अगर हम शुरुआत कर लें अपनी डिस्कशन की परवेज मुशर्रफ हाई ट्रीजन केस के हवाले से, जो हमारे सामने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको लेकर, अगर आप हमें इजाजत दें तो हम डॉक्टर सईद इलाही से शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर सईद इलाही साहब, ये आज का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुशर्रफ हाई ट्रीजन केस में, जो कि खसूसी अदालत की तश्कील थी, उसको कलदम करार दे दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या इस फैसले से जो स्पेशल कोर्ट्स थी, खसूसी अदालत का जो फैसला दिया गया था, उसको भी अब खत्म समझा जाए। देखें, सबसे पहले तो ये अदालती मामला है, इस पर राय देनी करना जरा मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि दो जो उसमें अहम नुकात उठाए गए हैं, एक तो ये कि उनका ख्याल है कि अदालत सही तरह कायम नहीं की गई थी, और दूसरा ये कि एब्सेंशिया में ट्रायल हुआ है, यानी मुलज़िम अदालत में हाजिर नहीं थे, तो मेरा ख्याल में ये दूसरा नुक्ता ऐसा है जिस पे वाकई ये सज़ा का अदम हो सकती है, और मुशर्रफ साहब यहाँ ख़ुद पेश नहीं हो सके और वो दुबई में शदीद बीमार हैं, अदालत के हालत में दाखिल रहे हैं अस्पताल में, तो ये क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट का फ़ैसला है तो इसके बारे में मेरा ख्याल इससे ज़्यादा कुछ कहना मुश्किल होगा हमारे लिए। जस्टिस साहब हमारे पास मौजूद हैं, मेरा ख्याल में वो ज़्यादा कानूनी राय दे सकेंगे इस बारे में। मैं
یہاں پر لیگل کوسچن رمضان چودھری صاحب آپ کی جانب ہم آئیں گے، جسٹس ریٹائرڈ رمضان چودھری کی جانب، یہ جو فیصلہ ہمارے سامنے ہے، اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ جائے گا تو کیا سپریم کورٹ اس فیصلے پر کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ کیا لاہور ہائی کورٹ کی جو ہے اتھارٹی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کل عدم قرار دینا؟ کیونکہ ابھی ایک اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے جو اسپیشل کورٹس کے فیصلے کے خلاف کی گئی ہے، تو کیا سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ بھی زیر بحث آ سکے گا؟ نیلم، یہ سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ جائے گا یا نہیں اس پہ تو ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں جو پٹیشنر سائڈ ہے ان کے تو حق میں فیصلہ ہو گیا، جنہوں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی وہ تو ظاہر ہے سپریم کورٹ نہیں جائیں گے، اور گورنمنٹ نے بھی اس میں کوئی اس کو اپوز نہیں کیا، بلکہ گورنمنٹ بھی ایک طرح سے اس میں کنسیڈنگ پارٹی تھی، گورنمنٹ نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ بھی شاید جائے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں، اگر جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ اس میں کیا رائے لیتی ہے، تو مجھے تو شاید یہ بھی ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے کہ کوئی اس میں سپریم کورٹ جائے گا بھی۔ اب نیلم رہ گئی بات کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کو یہ اختیار تھا کہ نہیں کہ وہ ایسا فیصلہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ فیصلہ جو پہلے والا وہ ایک اسپیشل کورٹ کا تھا، اسپیشل کورٹ کوئی بھی ہو، بے شک وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، بے شک وہ کوئی اسپیشل کورٹ ہو، وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہو، وہ نیب کی عدالت ہو، کوئی بھی عدالت ہو جو اسپیشل کورٹ ہے، اس کے فیصلے کو یا اس کی کانسٹیٹیوشن کو وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، یہ تو ہائی کورٹ کے تین جج صاحبان کا فیصلہ ہے، ایک اکیلے جج صاحب بیٹھ کے بھی اس کو سن سکتے تھے اور یہ دیکھ سکتے تھے کیا 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 عدالت وہ آئینی طور پہ قائم ہوئی تھی، اور کیا وہ جو پٹیشن تھی، جو کمپلینٹ تھی جو فیڈرل گورنمنٹ نے کی، کیا وہ آئینی طور پر دائر ہوئی تھی۔ تو اس میں نیلم دو سوال تھے، ایک سوال یہ تھا کہ جو کمپلینٹ دائر کرنی ہوتی ہے یعنی جو شکایت دائر کرنی تھی وہ کرنی تھی فیڈرل گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ کی تعریف جو ہے وہ 18ویں ترمیم آنے کے بعد وہ یہ بنتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو پرائم منسٹر ہے وہ اپنی کیبنٹ کی منظوری سے وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اس کیس میں جو کمپلینٹ فائل ہوئی اس میں پرائم منسٹر صاحب نے اکیلے ہی آرڈر کر دیا اور ان کے ایک سیکرٹری نے وہ کمپلینٹ دائر کر دی، یہ کیس کیبنٹ کے سامنے گیا ہی نہیں یہ معاملہ، اور کیبنٹ نے اس کے اوپر اپنی کوئی رائے دی نہیں تھی، تو یہ کہا گیا آج ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا لاہور ہائی کورٹ نے کہ چونکہ کیبنٹ کی کوئی اپروول نہیں تھی تو اس لیے یہ یہی سمجھا جائے گا کہ جیسے قانون کی نظر میں وہ کوئی کمپلینٹ دائر ہی نہیں ہوئی تھی، اسی طرح جو کورٹ کی تشکیل دینی تھی اسپیشل کورٹ کی وہ بھی کیبنٹ کی اپروول سے ہونی تھی، اس میں بھی فیڈرل گورنمنٹ نے جو ریکارڈ پیش کیا انہوں نے یہ کنسیڈ کیا، یہ بیان دیا کہ جی جتنی وہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اس دور میں 2013 میں یہ معاملہ کیبنٹ کے سامنے نہیں رکھا گیا، یعنی جو کمپلینٹ فائل ہوئی وہ بھی کیبنٹ کی اپروول کے بغیر، اور جو کورٹ کانسٹیٹیوٹ ہوئی عدالت بنی وہ بھی کیبنٹ کی منظوری کے بغیر بنی، تو اس طرح آج لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کورٹ اس طرح سمجھی جائے گی کہ ان کانسٹیٹیوشنل تھی، غیر قانونی تھی، غیر آئینی تھی، جیسے وہ بنی نہیں ہے، تو جو بھی انہوں نے فیصلہ دیا وہ اس طرح سمجھا جائے گا کہ وہ کالعدم ہے، وہ فیصلہ جیسے سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے، وہ فیصلہ ہے ہی نہیں۔ اب جو سپریم کورٹ میں اپیل ہے آپ نے جس طرح کہا کہ پینڈنگ ہے، تو وہ اپیل اب سمجھی جائے گی کہ ختم ہو گئی ہے، تو یہ اس طرح سمجھا جائے گا کہ آپ مشرف صاحب جو ہیں وہ بالکل بری ذمہ ہو گئے، ان کے خلاف کوئی جو سنگین غداری کا کیس آج نہیں ہے، نہ ابھی وہ کیس کوئی ویلڈلی لافلی کا وہ دائر شدہ تھا، نہ لافلی اس کا کوئی فیصلہ آیا۔ ٹھیک، لیکن یہاں پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، جیسے کہ ابھی ہمیں جسٹس ریٹائرڈ رمضان چودھری صاحب نے بڑا ڈیٹیل بتایا کہ جو اسپیشل کورٹ کی فارمیشن تھی وہ کیبنٹ کی منظوری کے بغیر دی گئی، جبکہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو اسپیشل کورٹس ہیں اس کی فارمیشن فیڈرل کیبنٹ کی اپروول کے ساتھ ہونا ضروری ہے، تو اب اسی شک پر انحصار ہوا ہے اس تمام لاہور ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے کا، تو کیا یہ جو اسپیشل کورٹ کی فارمیشن تھی اس کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے، کیا اسپیشل کورٹ کا دیا گیا فیصلہ جو ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل عدم ہو جاتا ہے، تو یہ جو ڈیتھ سینٹنس تھی اور جو پیرا 66 پر ہم نے دیکھا تھا بحث ہمارے سامنے تھی، وہ سب بالکل نل اینڈ وائڈ ہو گئی، وہ پورا ایک چیپٹر شٹ ڈاؤن ہو گیا؟ دیکھیں نیلم، بالکل بیسیکلی ان کی آبزرویشن یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ میں دو تین چیزیں تھیں، ایک تو یہ نہیں تھا کہ وہ ٹریزن کا کیس نہیں بنتا تھا کیونکہ یہ ہیلڈ ان ابیئنس تھا، اور ہیلڈ ان ابیئنس اس وقت نہیں تھا، یہ پرانے ریٹروسپیکٹ افیکٹ سے انہوں نے اس کو ایڈ کیا، جو بھی یہ نہیں ہو سکتا، جو بھی نیا امینڈمنٹ آتی ہے پرانے کا اس کے اوپر لاگو ہونا نہیں ہوتا، ایک تو یہ تھا۔
नंबर टू बात ये थी कि जन एक्यूज एब्सेंट थे, वो थे ही नहीं। इतनी सीरियस स्वेयर पनिशमेंट के अंदर जब तक एक्यूज को ना सुना जाए, व्हाट इनके रीजंस क्या थे, सरकमस्टांसेस क्या थे, वो भी उसके ऊपर नहीं सुना गया, जिसकी वजह से कोर्ट ने ये फैसला किया कि नहीं था। और तीसरा, जाहिर है 18th अमेंडमेंट में लिखा हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट ऐसा करेगी वो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट अपना परसोर करना चाहता था, जिसकी वजह से कोर्ट बनाया गया और उसको चलाया भी इसी तरह गया। बाद में जो भी खोसा साहब थे आपके सामने, उन्होंने जैसे मुक्के रेस करके बात की, इंटेंशन जाहिर करी कि उनके क्या मकसद थे, कैसे वो आर्मी को रेडिक्यूल करना चाहते थे, चाहे वो जन बाजवा का केस एक्सटेंशन का या जे जन मुशरफ का हो। तो ये सारी चीजों को जब हाईकोर्ट ने फुल बेंच ने देखा है तो उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल इसमें इलेगलिटी है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है, इसलिए इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट को जब खत्म कर दिया तो जो उनके फैसले थे, जो भी ऐसी बातें, सब अब रद्दी का टुकड़ा है, दे आर अ हिस्ट्री, कोई इसकी वैल्यू नहीं है। बल्कि जो हाई सुप्रीम कोर्ट में अगर गवर्नमेंट गई हुई है वो भी वापस कर लेगी। और थर्ड बात यह है, लेकिन क्योंकि इसमें क्योंकि हम कमल नवीद साहब की जानिब जाएंगे, हारिस नवाज साहब आपका पर्सपेक्टिव आ गया यहाँ पर। एक और एस्पेक्ट जो सामने आया है, ये हम अगर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को देखें तो उसमें जो आर्टिकल 6 है उसके तहत जो की जाने वाली अमेंडमेंट थी उसको भी कलअदम करार दे दिया गया है। उसमें कहा गया है कि आर्टिकल 6 के अंडर जो तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन थी वो माजी से नहीं किया जा सकता। और लाहौर हाईकोर्ट ने एक और जो अहम एस्पेक्ट इसमें रेस किया अपने इस फैसले में, उन्होंने ये एब्सेंशिया का भी उठाया है कि मुलजिम की गैर मौजूदगी में जो ट्रायल किया गया। तो अब ये इन तमाम बातों को देखते हुए तो आर्टिकल 6 का हमने शोर सुना, हमने जो है संगीन गद्दारी केस आर्टिकल 6 लगा दिया गया, ये सब जो है इससे क्लियर होते हुए हमें नजर आ रहे हैं परवेज मुशर्रफ साहब। तो ओवरऑल क्या ये कहा जा सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट से चाहे सिविल चाहे मिलिट्री केसेस को जो है उनको अकोमोडेशंस मिल गई हैं? जब इस पर पहले भी ये एतराजात आते रहे हैं कि जो परवेज मुशर्रफ साहब का एक्ट था ये 2007 में हुआ और ये जो अमेंडमेंट आई जिसके बाद इसे संगीन गद्दारी का उसका जुर्म करार दिया गया, और तो वो आई है 2010 में। तो जब ये फैसला आ भी गया था तो उसके बाद भी जो मुख्तलिफ कानूनी माहरीन थे वो मीडिया पर इस पर सवाल उठा रहे थे। और दूसरा यह है कि अब चूंकि ये फैसला आ ही गया है और इसके ऊपर जिस तरह जो हमारे दोस्त बैठे थे वो बात कर रहे थे कि चूंकि ये आर्टिकल 6 के लिए जो अब वो है कंप्लेनेंट है वो गवर्नमेंट ही बन सकती है, तो चूंकि गवर्नमेंट ने तो पहले ही ये कोशिश की थी कि ये परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ फैसला ना आए, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट अपील में जाएगी। तो ये तो मैं अब मसला यहाँ पर तकरीबन खत्म ही हो गया है परवेज मुशर्रफ साहब वाला। और ये चैप्टर क्लोज हो गया। तो फिर डॉक्टर सईद इलाही साहब, ये जो सवाल उठाया जा रहा है इस वक्त कि लाहौर हाई कोर्ट से ही आखिर सबको रिलीफ क्यों मिलता हुआ नजर आ रहा है, नवाज शरीफ साहब के बाद अब परवेज मुशर्रफ साहब जो है उनको भी लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है, तो फिर जो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए शायद कोई नरम गोशा है, तो फिर वो सारा कुछ भी क्लियर हो गया है, सब अकोमोडेशन जो है हो गई है सिविल मिलिट्री बोथ एंड्स? मेरा ख्याल में ये तो अदालत की तौहीन के मुतरादिफ होगा कि इतने लर्नेड और तजर्बाकार जज हैं लाहौर हाई कोर्ट में और ये कहा जाए कि वो PMLN के हक़ में फ़ैसला कर रहे हैं या ज़ेर असर हैं या किसी से वो मुतासर होकर या मगलूब होकर फ़ैसला कर रहे हैं, मैं इससे एग्री नहीं करता। और जो भी आज फैसला हुआ है उसके बारे में बड़ी तफसील से जज साहब ने बताया है आपको कि कानूनी नुकात पर यह फ़ैसला किया गया है, लेकिन मेरी उसमें राय यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील ज़ेरे समात है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्योंकि ये अपील हो चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट का ये अख्तियार है कि वो उसको आगे प्रोसीड करे। जैसे पहले भी जो दरख्वास्त आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ आई थी उसको प्रोसीड किया गया था, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार मौजूद है कि जो वहाँ काबिल समात केस है या अपील है उसे वो सुन सकते हैं और उस पर फैसला कर सकते हैं। ये मेरी राय है, इसके बारे में आप जज साहब से
या दीगर जो कानूनी माहरीन हैं उनसे राय ले सकते हैं, लेकिन आपके जो पहले सवाल था आपका कि लाहौर हाई कोर्ट के बारे में, उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। लाहौर हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट जजेस पर मुश्तमिल, तजर्बाकार लोगों पर मुश्तमिल अदलिया है, उसके बारे में ऐसा तासुर गलत है। ऑलराइट, यहाँ पर जस्टिस रिटायर्ड रमजान चौधरी साहब, अब ये जो चंद लीगैलिटीज वाले क्वेश्चंस हैं कि क्या अब ये केस दोबारा से शुरू किया जा सकेगा, क्या रीट्रायल होगा, हुकूमत अब इस पर क्या फैसला करेगी, नजर तो यही आ रहा है कि जो फेडरल है वो अब इस केस को परसू नहीं करना चाहती, वो आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, तो सियासी तौर पर हुकूमत इस मामले को कैसे हैंडल कर सकती है? देखिए नीलम, इसके दो पहलू हैं इस फैसले के। एक और तो जो लीगल फैसला था से वो बजाते खुद ही बिल्कुल वो गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला था कि वो एक ऐसे शख्स के खिलाफ दिया गया जिसको सुनवाई का मौका ही नहीं मिला था, जिसका 342 का जो बयान होता है, जो किसी भी मुल्ज़म को सजा देने से पहले उसका बयान लिया जाता है, उनका बयान ही नहीं लिया। वो कहते रहे कि जी मेरा बयान आप ले लें, कमीशन पर ले लें, मेरे पास को कमीशन भेज के ले लें, स्काइप पर मेरा बयान ले लें, लेकिन उस अदालत ने मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने वो उनका बयान लिए बगैर और उनको सफाई का मौका दिए बगैर और फेयर ट्रायल का राइट दिए बगैर वो जजमेंट अनाउंस की थी। उसके ऊपर भी हमारे बड़े तहफात थे। फिर उस जजमेंट में एक जज साहब ने, जो पेशावर वाले चीफ जस्टिस जज साहब थे सेठ साहब, जो उन्होंने वो राय दे दी थी कि जी वो अगर खुदा न खास्ता फौत भी हो जाए इस दौर में दौरान में, तो उनकी लाश को लाया जाए और वो घसीट कर डी चौक तक ले जाएँ और वहाँ फिर उनको 3 दिन तक लटकाया जाए। उसमें भी आपको पता है कि बहुत सी राय आई कि बिल्कुल वो एक गैर इस्लामी, गैर आइनी, गैर कानूनी ऑब्जर्वेशन थी जज साहब की, और फिर वो अब्सेंशिया ट्रायल था, वो उसकी कोई कानून की नज़र में वक़्त नहीं थी। ये तो उस फैसले के बारे में तहफात थे, लेकिन आज जो तय हुई हैं चीज़ें, एक तो ये चीज़ तय हुई है कि जो आर्टिकल 6 है इसमें जो अमेंडमेंट आई, जो तरमीम आई, 18वीं तरमीम जिसको कहते हैं हम, 18th अमेंडमेंट, वो तो 2010 में आ रही है, और ये इमरजेंसी जो इन्होंने नाफज की थी ये 2007 में की थी, 2007 तो उस अमेंडमेंट में कोई ऐसी बात नहीं है कि ये मुअस्सर माजी होगी, यानी इसका तलाक जो है माजी से किया जाएगा। उस वक्त ये ऑफेंस नहीं था जब ये एक्शन लिया गया था। ये बात एक बड़ी जरूरी है कि आप देखें जो आर्मी एक्ट में तरमीम आई है उसमें ये लिख दिया गया है कि वो नवम्बर 2019 से जो है नाफज अमल होगी, बेशक वो तरमीम आके जनवरी 20 में आ रही है। तो जो कानून मुसरबा माजी बनना होता है उसके अंदर लिख दिया जाता है कि इसका इतलाक फलां वक्त से होगा, जिस तरह नैब के कवानीन आए तो उसमें ये बात लिख दी गई कि इनका कवानीन का जो इतलाक है वो 1984 से होगा। तो जो 18th अमेंडमेंट थी उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसका इतलाक जो है वो मुसरबा माजी होगा। तो इस टच स्टोन पर भी आज कोर्ट ने देखा है, और कोर्ट ने यह भी देखा है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन तो की थी 20 से 25 अफराद ने, और जो स्पेशल कोर्ट के सामने पेश हुए वो सिर्फ एक आदमी का बयान हुआ, तो कोर्ट ने इसका भी नोटिस लिया कि भी बाकी 19-20 लोग किधर थे, उनका बयान लिए बगैर अदालत ने फैसला दे दिया। फिर कोर्ट ने ये भी आज देखा कि क्या जो वो कोर्ट थी स्पेशल कोर्ट, क्या वो कानून के जाब्ते के अंदर बनी, आइन के मुताबिक बनी, कानून के मुताबिक बनी, तो उन्होंने ये आज अपनी जजमेंट दे दी है कि नहीं, वो कोर्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। वो ठीक इस तरह है, वो समझा फॉर्मेशन जाएगा इलीगल है, जैसे तो से यहाँ वो पर फिर थी ब्रिगेडियर नहीं, रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हुई नहीं। ऑलराइट, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, अब यहाँ से वे जो फॉरवर्ड फाइल की अगर बात वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, तो वो भी आईन के दायरे के अंदर, कानून के दायरे के अंदर दायर नहीं की गई, और ऑपोजिशन की जानिब से क्या इस केस को लेकर आगे बढ़ाने के लिए कोई दबाव जो है वो सामने आता हुआ नजर आएगा, क्या परवेज मुशर्रफ की जानिब से किसी किस्म की वापसी जो है वो हम होते हुए देखेंगे, आगे अब यहाँ से वे ऑनवर्ड्स क्या होगा? सबसे पहली बात यह है कि वे फॉरवर्ड तो एक खत्म है कि यहाँ वी शुड से थिंक कि ये दिस फॉर द टाइमिंग केस क्लोज स्टैंड्स क्लोज, ना इसमें गवर्नमेंट जाएगी ना इसमें पटिशनर जाएंगी। जाहिर उनका मसला, उनके प्रॉब्लम रीड्रेस हो गए हैं जो उन्होंने चाह रहे थे कि इलीगल कोर्ट था, इलीगल डिसीजन था, 2010 की जो डिसीजन अमेंडमेंट के मुताबिक जो पहले उसमें कानून था नहीं डिसीजन का वो गलत था, एक्यूज को नहीं सुना गया, सारे पॉइंट और फिर बदनीयती शामिल, सब क्लियर बातें हो गई। आई थिंक ना इसके ऊपर अब तो अपोजिशन इस पर बात करी क्योंकि लीगल है, कोर्ट ने डिसीजन दिया है और हाई कोर्ट ने दिया, फुल बेंच ने किया, इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं जाएगी। आप देखते हैं कि जनरल मुशर्रफ, एक्चुअली जनरल मुशर्रफ 100% आना चाहते हैं, ही इज वेरी सीरियस कि वो आना चाहें, लेकिन इस कंडीशन इज नॉट अलाउइंग हिम, ही इज वेरी सीरियसली सिक, डॉक्टर्स उनको बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहे हैं। अगर आपको याद हो
उन्होंने स्पेशल कोर्ट को भी कहा था कि आप मेरे पास आ जाएं, मेरा आके बयान ले लें। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू ट्रेवल, डॉक्टर इज नॉट अलाउइंग मी, ही कैनॉट स्पीक फॉर मोर देन 10 मिनट्स, के बाद वो थक जाते हैं वो चीज़ें देखते हुए। मेरा नहीं ख्याल कि अभी आएंगे, अल्लाह करे वो सेहत होगी तो ज़रूर पाकिस्तान आएंगे। आई एम कन्विंस उनको आना भी चाहिए, अपने मुल्क आना चाहिए। अब ये केस ख़त्म हो गया, अब डिपेंड ये करता है कि गवर्नमेंट नया केस कॉन्स्टिट्यूट करती है, उन सबको इन्वॉल्व करती है जो जो इसमें कैबिनेट मीटिंग में मिनट साइन हुए हैं, मिनिस्टर थे, गवर्नर थे, सब लोगों को शामिल करते हैं, जो कि एक लेंथी प्रोसेस होगा। मेरे ख्याल में यहाँ पर ये हमें समझना चाहिए कि केस खत्म हो गया और अब वी शुड मूव फॉरवर्ड आल्सो, ताकि आगे के लिए देखें कि आगे क्या होना चाहिए, क्या बेहतर होना चाहिए। चले हमारी नजर रहेगी कि जो जो इलाज के लिए मुल्क से बाहर गए हुए हैं उनमें से किस किस की वापसी होती नजर आती है। नाज़रीन यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम मालूम करना चाहेंगे कि आखिर हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान के रुकन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वो हुकूमत से क्यों नाला नजर आ रहे हैं। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त बात करेंगे कि जो हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM है उनके मेंबर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं उन्होंने MQM के मुतालबात पूरे ना होने पर अपनी वजारत छोड़ दी है और MQM की जानिब से हुकूमत को बल्कि वो कह रहे हैं कि सपोर्ट दी जाएगी लेकिन कैबिनेट में वो नहीं बैठेंगे। कल हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से रेजिग्नेशन देते हुए क्या कहा, हम पहले आपको सुनवा देते हैं एग्जैक्टली व्हाट डिड ही से एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन हियर। हम वापस नहीं ले रहे हैं और जमहूरियत के हवाले से ऐसे तमाम जो तआवुन हमने जिसका के वादा किया था हुकूमत से वो हम देते रहेंगे। हम सब इस नतीजे में पहुँचे हैं कि कम से कम मेरा अब काबीना में बैठना जो है बेसूद है। हम हुकूमत से अपना तआवुन जारी रखेंगे लेकिन वजारत में बैठने का ना बैठने का आज हमने जो ऐलान करना था इसीलिए आप सबको बुलाया। जी नाज़रीन, अब ये खालिद मकबूल साहब के रेजिग्नेशन के बाद MQM को मनाने के लिए वजीर आजम की जानिब से असद उमर की सुपरविजन में एक स्पेशल कमेटी जो है वो तश्कील की जाती है और आज ये कमेटी खालिद मकबूल साहब से मुलाकात करने के लिए जाती है लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं सामने आता है, एक डेड लॉक अभी भी बरकरार है और इस मुलाकात के बाद दोनों जानिब से क्या मीडिया टॉक हुई, लेट्स लिसन टू दैट ऑल्सो। हमने जो वादा किया है हुकूमत का सारा अपने अददी जो हमारे पास नंबर्स हैं उसके ज़रिए भी वो हम जारी रखेंगे। हमने सिर्फ ये कहा था कि कैबिनेट में बैठा रहना अब बेसूद सा महसूस होता है तो वहाँ पे नहीं जाएंगे। खालिद साहब ने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया? जी 100% ऐसा ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। खालिद भाई ने भी अपनी ख्वाहिश काबीना से अलहदगी का इजहार कर दिया है और अभी तक वो ख्वाहिश कायम है और हमारी ख्वाहिश के ये काबीना का हिस्सा लें वो भी है। बेहतरी यही है कि हम साथ मिलकर काम करें शहर के लिए मुल्क के लिए और उसको क्या तरीक़ेकार बेहतरीन हो सकता है उसके ऊपर बातचीत हो भी सकती है और होती भी है और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से साथ मिलकर चलेंगे। जी अगर आप हमें इजाजत दें तो हम कंवल नवेद आप साहब आपसे शुरुआत करेंगे गुफ्तगू की। अब ये MQM का अगर हम देख लें तो MQM ने हुकूमत के साथ शामिल होने के लिए अगस्त 3, 2018 को बनी गाला में मुआहदा किया था और इस मुआहदे में कहा गया था कि कराची ऑपरेशन का असर नौ जायजा लिया जाएगा, हुकूमती ओहदों पर शफाफ तकरियाँ होंगी, शहरी हकूमत को वफाक से फंड्स की फ्राहमी दी जाएगी, पुलिस रिफॉर्म्स और फिर हैदराबाद में जो यूनिवर्सिटी का क्याम है वो मुमकिन होगा और इंतखाबी हलकों में इलेक्शन जो है ऑडिट करवाए जाएंगे। ये तमाम जो आपके मुतालबात थे या आपने जो अपनी एक लिस्ट बनाई थी इसमें शामिल है। MQM की जानिब से अब कहा जा रहा है कि हुकूमत ने किसी एक नुक्ते पर भी इनमें से अमल नहीं किया, तो अब ये बताइएगा कि इस वक्त MQM की पोजीशन क्या है? आप कह रहे हैं कैबिनेट में नहीं बैठना लेकिन हुकूमत की सपोर्ट जारी रहेगी, इससे इसका क्या मतलब हुआ? आज असद उमर साहब बहादराबाद में MQM के हेड ऑफिस पर तशरीफ लाए थे तो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये उनका पहले से शेड्यूल प्रोग्राम था, वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले से ये प्रोग्राम शेड्यूल था लेकिन बहरहाल वो तशरीफ लेकर आए तो उनसे हमारी बात भी हुई और एक तो ये MOU है जिसका आपने जिक्र किया ये बनीगलम में साइन हुआ, उसके बाद एक और बहादराबाद में साइन हुआ, उसमें मल्टी 4 पॉइंट थे तो मजमुई तौर पर ये 13 पॉइंट हैं। तो हमने ये जो दोनों सफात थे जिन पे मजमुई तौर पर 13 पॉइंट हैं
ये इनके सामने रखे और हमने उसे कहा कि देखें एक पर भी इस पर अमल नहीं हुआ है। पहले तो हमें ये शक था कि ये तजर्बे की कमी की वजह से चीजें डिले हो रही हैं, लेकिन अब हमें ये लगता है कि संजीदगी की कमी की वजह से ये डिले है। तो हम चूंकि पहले भी कई मरतबा को 4 महीने पहले हम लोग गए थे इस्लामाबाद, मैं खुद भी था, खालिद भाई भी थे, तो हमारी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी और हम उससे को ये गोश गुजार कर कर आ गए थे कि इस हालात में कि कराची के लोग, हैदराबाद के लोग, सिंध के शहरी इलाकों के लोग मसाइल से दो चार हों तो वजारत में बैठना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि लोग फिर सवाल करते हैं कि हमारे मसले तो हल नहीं हो रहे, तो आप तो हमारे वोटों से कामयाब हैं, आप वर्न में बैठ के क्या कर रहे हैं। फिर ये बात कोई 3-4 महीने, लेकिन यहाँ पर कमल नवेद साहब आपकी इस एक्शन की टाइमिंग्स पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि हमें इस वक्त ही क्यों ये रेजिग्नेशन जो है सामने आ रहा है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से, जबकि प्रीवियसली बिलावल भुट्टो जो है वो आपको ऑफर कर चुके हैं कि आप मिनिस्ट्री छोड़ दें तो हम आपको अकोमोडेट कर लेंगे, तो ये टाइमिंग्स पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि अभी क्यों आपको रेजिग्नेशन की याद आई। मैं आपको अपनी बात का सवाल इसका जवाब मुकम्मल करके फिर आपको उसका भी जवाब देता हूँ। तो ये हमने सब उनको इससे पहले बता चुके थे और आज भी हमने उन्हें बताया कि हम आपकी गवर्नमेंट की सपोर्ट को वापस नहीं ले रहे, लेकिन पीटीआई के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात का दारोमदार इन्हीं 2 सफात और 13 में करता है। दूसरा यह है कि इस वक्त देखें कोई गवर्नमेंट को कानून साजी के सिलसिले में कोई चैलेंज का सामना नहीं है। मैंने आपको बताया कि 4 महीने पहले हम वज़ीर आज़म साहब से ये कहकर आए थे तो 4-6 महीने से तो हम पैनिक में थे ना, लेकिन जब इनको ये तमाम चैलेंज का सामना था तो उस वक्त हमने ये इशू नहीं उठाया। अब ये जब कोई चैलेंजेस नहीं है उस वक्त हमने ये अपना पॉइंट रेस किया है और इसका बिलावल भुट्टो साहब की ऑफर से दूर दूर तक भी कहीं ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि सिंध के शहरी इलाकों कराची हैदराबाद में जो मसाइल हैं उसका हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझते हैं कि गुज़श्ता 11 साल में बड़ी जुल्म और नाइंसाफी की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सईद इलाही साहब ऑलराइट आपकी जानिब वापस आएंगे, अब डॉक्टर सईद दिलाई साहब अब ये हम देख रहे हैं कि आज असद उमर जो है वो जाते हैं हुकूमती डेलीगेशन के साथ, उधर मुलाकात होती है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, लेकिन उन्हें मनाने में वो नाकाम रहते हैं, तो ये वही सवाल सामने लाया जा रहा है कि आखिर इस बार एमक्यूएम हुकूमत से इतनी शदीद नाराज क्यों नजर आ रही है। और फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये भी कहते हैं कि एमक्यूएम के जो मेंबर फरूक नसीम साहब हैं वो कैबिनेट में हमारे कोटे से शामिल नहीं हुए, वो अपने फैसले में आजाद है, इमरान खान खुद उन्हें ये वजारत दी है, और हम ये भी इतलात ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद फरूक नसीम साहब को जो है गवर्नर सिंध भी लगा दिया जाए, तो ये उनको इस वजाहत की जरूरत क्यों पेश आई। सबसे पहले दो बातें हैं, एक तो ये कि एमक्यूएम जब से कायम हुई है क्योंकि उनके वोट कम होते हैं लेकिन वो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर हर हकूमत से अच्छी बार्गेनिंग करते हैं और कोलिशन का हिस्सा बनते हैं और फिर अपनी शर्तें मनवाते हैं, और अगर वो शर्तें ना मानी जाएं तो फिर एग्ज़िट करते हैं। और ये जो इस हकूमत में शामिल हुए ये भी आप देखें, क्योंकि 2 स्प्लिंटर ग्रुप्स हो चुके हैं, एक लंदन ग्रुप है और एक पाकिस्तान, तो उनमें से एक ने फैसला किया कि हम हकूमत को सपोर्ट करेंगे, वो हकूमत के साथ शामिल हैं, और जैसे आपने देखा कि जो उन्होंने मुआहदा किया उसकी शिकों पर अमल नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल में उसमें बिलावल भुट्टो की जो उनकी दावत है उसके अलावा दूसरी बात यह भी है कि जब हुकूमतें अनपॉपुलर होती हैं तो लोग उनसे जान छुड़ाते हैं, तो शायद अभी क्योंकि हुकूमत जो है फेडरल लेवल पे बुरी तरह नाकाम हुई है और उनके जो सूबाई मुख्तलिफ हुकूमतें हैं जैसे पंजाब में बुज़दार साहब सवालिया निशान है, KP में बहुत मुश्किल हालात हैं, और बलूचिस्तान की हुकूमत में चीफ मिनिस्टर अच्छे आदमी हैं लेकिन हुकूमत जो है वो एक कमज़ोर हुकूमत है, किसी फैसले की पोजिशन में नहीं है, और वहाँ पे भी डिफरेंट लोग नोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अब्दुल कुदूस बिजंजो साहब का नाम है और बहुत से लोगों के नाम हैं। तो मैं ये समझता हूँ जब हुकूमत नाकाम होती है, कमज़ोर होती है, तो जो पॉलिटिकल एलाइज हैं वो अपनी जान छुड़ाते हैं और वो किसी किस्म की
जिम्मेदारी या बोझ लेने से इनकार करते हैं तो ये एक पहला कदम है MQM का इस हुकूमत को छोड़ने का। लेकिन उन्होंने बड़ी अकलमंदी से यह फैसला किया कि वजारत छोड़ दी लेकिन हुकूमत की सपोर्ट कायम रखी। ये बात समझ नहीं आई कि अगर नाराज़गी है, मुतालबात नहीं माने जा रहे और गुस्से की शिद्दत है तो सिर्फ वजारत क्यों छोड़ी जा रही है, हुकूमत की सपोर्ट क्यों नहीं ख़त्म की जा रही। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक अपनी माजी की जो रवायत है MQM की उस पर अमल किया जा रहा है और उसी तरीके से वो मरकजी हुकूमत को दबाव में ला के या सूबाई हुकूमत से कोई डील कर सकते हैं या मरकजी हुकूमत से मजीद मराहत हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, अब ये जैसा कि आपने यहाँ होने वाली डिस्कशन भी सुनी है, हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने MQM को जो मिनिस्ट्रीज की पेशकश की थी उस पर पीपल्स पार्टी की जानिब से आज भी कहा जा रहा है कि MQM के लिए वो पेशकश आज भी मौजूद है, तो क्या MQM जो है वो ज्यादा बेटर बार्गेनिंग पोजिशन जो है वो अपना वजन पीपल्स पार्टी के पड़ने में भी डालती हुई नजर आएगी या वो उसकी इस ऑफर को लेकर शायद अपनी पोजिशन ज्यादा स्ट्रांग करेगी फेडरल के साथ और जो फिर दीगर ये जमाते हैं हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी जमाते हैं इनमें भी कहा जा रहा है कि रिजर्वेशंस हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, मुस्लिम लीग काफ ले लें या बलोच नेशनल पार्टी ले लें उसको भी हुकूमत से तहफ़ुज़ात हैं, तो अब इन जमातों का भी दावा सामने आ रहा है कि हुकूमत की जानिब से मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे, 17 माह हो गए हैं और जो BNP मेंगल है उन्होंने तो 19 जनवरी को कोर कमेटी का सेशन भी बुला लिया, तो क्या ये इत्तेहादी जो है ये किसी किस्म का एक ट्रिकल डाउन अफेक्ट जिसे कहेंगे वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है इत्तेहादियों में? देखें नीलम, बात यह है कि कराची की पहले सिचुएशन की मैं बात करता हूं, बिकॉज़ मैं अभी कराची में रहता हूं, मैं भी थोड़ा सा यहां को समझता हूं। एंड बेसिकली ये जो पार्टी में रस्साकशी है जिसमें PTI है, फेडरल गवर्नमेंट है, MQM है, अदर पीपल पार्टी है, इसकी वजह से कराची के अवाम ने बहुत सफर किया। बड़ी क्लियर बात है, दो तीन मसाइल थे कि 4 मंसूबा था, पानी निकाब नहीं होता, उसके बाद नंबर 2 है कि यहाँ पर आपके सामने जो समुंदर इतना बड़ा पड़ा है वो पानी का मसाइल आ गया, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर नहीं कर सके हैं, फिर ग्रीन लाइन ये ट्रैफिक इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है उसका कोई हल नहीं है, और सेकंड ये बात है कि इस वक्त MQM ने मेरे ख्याल में बड़ा सही डिसीजन लिया है। वजह यह है कि अभी अन करीब आ रहे हैं लोकल बॉडीज के बलदियाती इलेक्शन जिसमें मेयर का सिलेक्शन होना है, MQM अपने अवाम को क्या बताएगी कि जी हमने आपके लिए क्या किया पिछले 5 साल के अंदर, पहले पीपल पार्टी से ले प्रॉब्लम रही, आप फेडरल गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रही है और तीनों पार्टी अपनी चाह रही है कि बलदियाती इलेक्शन में हमें फायदा हो। अब अगर खालिद मकबूल सदीकी साहब ने रिजाइन दिया वजारत से तो एक ये आप कह सकते हैं कि देखिए मैंने कराची के लिए रिजाइन भी कर दिया और एज ए कन्वीनर अब मैं पूरा टाइम भी लगाएंगे वो बलदियाती इलेक्शन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है कराची के अवाम के मुश्किल को दूर करने के लिए। एक तो ये जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है और MQM जस्टिफाइड है, दे ट्राइड देयर बेस्ट के फेडरल गवर्नमेंट से कहें, फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी कमिटमेंट कोई नहीं किया और इसके साथ इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट ने BNP के साथ भी नहीं किया, अर्थात मेंगल ग्रुप के साथ, वो भी नाराज है। तो जब आप कमिटमेंट करते हैं वोट लेने के लिए तो आपको पूरी जरूर करनी चाहिए और कराची में MQM के साथ मिलकर अगर इस वक्त भी PTA मिलकर काम करें तो कराची में दोनों को फायदा होगा, बल्दियाती इलेक्शन में और अगले जनरल जो है वजीर आजम खुद कराची आ रहे हैं और बहुत से प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट किए जा रहे हैं, उसमें उन्होंने जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है वो उनकी प्रायोरिटी है, ट्रांसपोर्टेशन उनकी प्रायोरिटी है, तो आपको लगता है कि वजीर आजम के आने का इंतजार किया जाएगा, उनके साथ बैठकर किसी किस्म की बातचीत होने तक की नौबत आती हुई नजर आएगी? और रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा जो यहाँ पर हारिस नवाज साहब ने जो है एस्पेक्ट रेस किए। देखिए वजीर आजम साहब तशरीफ लेकर आएंगे तो हम बिल्कुल उनसे मुलाकात कर लेंगे और आज भी डिस्कशन में आया तो हमने असद उमर साहब से यही गोश गुजार किया कि वजीर आजम से मुलाकात करने से पहले आप लोग वजीर आजम साहब के साथ बैठकर, क्योंकि ये सारे जो हमसे जो उन्होंने जो माहिदा किया है, जो MOU साइन किए हैं, ये तो गवर्नमेंट आने से पहले किए हैं, तो आप हमें वजीर आजम साहब की तशरीफ लाने से पहले ये बात बता दीजिएगा कि आप इस पर अमल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं
और दूसरा फिर अगर अमल हो सकता है तो इस पे प्रैक्टिकली हमें नजर आना, जो अमल है नजर आना चाहिए। तो ये हमने उसे गोशगुजार कर दिया है, वज़ीर आज़म साहब आएंगे तो उनसे मुलाकात कर लेंगे, लेकिन हमने उससे कोई हालात, तो एक तो देखें हमने एक ऐसा वक्त चुना है जिसमें अभी गवर्नमेंट के पास कोई चैलेंज का सामना नहीं है, कोई कानून साजी के मसाइल नहीं है, और दूसरा हम उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट भी जारी रखे हुए हैं और हम उनसे नहीं कर रहे हैं। ये सारी की सारी बातें एक तरीके आप इन सबको पढ़ लें, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि नाजायज हो, गलत हो, या जिससे एमपीएम को कोई बहुत बड़ा फेवर मिल रहा हो या आउट ऑफ द वे फेवर जा रही हो। तो हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि ये आपने गवर्नमेंट बनने से पहले हमसे किया था, अगर से 50-60% अगर कुछ अमल हो गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन बदकिस्मती से उस पर 1% भी अमल नहीं हुआ। जहां तक बिलाल भुट्टो साहब का, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हमने पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलहदा हुए थे उस वक्त जो इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब की ऑफर है उससे 4 गुना ज्यादा चीज हमारे पास थी, और हमने उस वक्त ये मिनिस्ट्रियां छोड़कर पीपल्स पार्टी से अलहदा हो गए थे। देखिए एक तो एमक्यूएम कोई रवायती किस्म की जमात नहीं है, एमक्यूएम में जितने भी लोग हैं उनमें से कोई 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 ऐसा नहीं है कि जद्दी पुश्ती सियासतदानों, ये तो खुद एक जो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान बनाने के बाद जो लोग हिजरत कर आए और जो इनसे यहाँ पे नाइंसाफियां हुई उसके नतीजे में बनने वाली जमात है, और यहाँ पे किसी के ना कोई पॉलिटिकल अलाइन है। लेकिन यहाँ पर क्या डॉक्टर सईद इलाही साहब, क्या इन तमाम मामलात को देखते हुए क्या कोई इन हाउस तब्दीली जो है वो इस साल होती हुई नजर आएगी? क्योंकि बिलावल भुट्टो को ले लें तो वो भी इस साल को इलेक्शन का साल करार दे रहे हैं, नून लीग को ले लें, शहबाज शरीफ जो है वो भी लंदन में बैठकर ये कह रहे हैं कि इस साल जो है इलेक्शन का साल होगा, तो ये क्या आने वाले दिनों में हम किसी किस्म की इन हाउस तब्दीली की उम्मीद रख सकते हैं? मेरी राय में तो कोई इन हाउस तब्दीली जो है वो अभी ऑन कार्ड्स नहीं है, और इस साल के बारे में क्या अगर आप पिछले 10 साल की तारीख देखें तो हर साल मुख्तलिफ लीडर उस साल को इलेक्शन का साल करार देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इन हाउस तब्दीली का कोई चांस नहीं है, और ये जो हुकूमतें होती हैं उनको वो गिराना आसान काम नहीं होता, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के साथ वसाइल, ताकत, अख्तियारात और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे वो मेंबरान को होल्ड रखते हैं और पार्टीज़ को, एलाइज़ को साथ जोड़े रखते हैं। इसलिए जो हुकूमत में लोग बैठे हैं उन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गिराना मुश्किल काम होता है, जब तक कोई मुख्तदर कुवतें या बैरूनी इमदाद हासिल ना हो तब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होती। इसी तरह इस असेंबली में भी इस साल मुझे कोई तब्दीली होती नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद इलाही साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, कमल नवेद साहब और जस्टिस रिटायर्ड रमजान चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने का। नाजिन चलते चलते आपको बताते चले कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरन मिनिस्टर हैं वो ईरान, सऊदीया और अमेरिका के स्पेशल दौरे पर हैं, और वजीर खारजा जो हैं उनका ईरान का दौरा मुकम्मल हो चुका है और वो अब सऊदीया जा चुके हैं। वो इस कोशिश में है कि जो ये नया क्राइसिस है इसको रिजॉल्व कर सके। अब क्या पाकिस्तान की इन कोशिशों का कोई पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो हमें सामने आता हुआ नजर आएगा या नहीं, ये हम आने वाले वक्त में ही देखेंगे। आज के लिए इतना ही, सी यू ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।